वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ़ टाटा मोटर्स तो फ्रेंड्स अगर हम टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो कल ही के यानी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर मैंने मॉर्निंग में ही जो है फ्रेंड्स एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में मैंने बोला था कि जितने भी रिपोर्ट्स हमने देखे ऑन बेसिस ऑफ दैट हमें टाटा मोटर्स में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में उसी के पीछे के रीजंस भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे लेकिन जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं फिर से वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ और कुछ लेटेस्ट अपडेट भी मेरे हाथ में है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आपको सिर्फ एक सेकेंड लगेगा फ्रेंड्स लेकिन आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ट्रेंडिंग शेयर्स के बारे में मिलती रहेंगी तो फ्रेंड्स रिसेंट डेज़ में टाटा मोटर्स एक बहुत ही अच्छा शेयर साबित हुआ है जिसने अभी 287 से लेके 333 जो कि आज का है तक इसने जो है प्राइस टच की है और आज का ट्रेडिंग डे अगर पर्टिकुलरली हम कंसिडर करेंगे तो फोर 4.5 प्लस परसेंट का जो है मोमेंट हमें इसमें देखने को मिला था तो मैंने कल वाले एनालिसिस के बाद आज मॉर्निंग में वो चीज़ें बताई थी कि इसमें मूवमेंट आ सकता है तो रीजन क्या थे उस मूवमेंट के पहले तो फिर से एक ट्वेंटी थ्री मिनट अगोदी फोर मिनट्स पहले जो है Uh, एक रिपोर्ट आया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा मोटर्स डी वी आर सर्जेस ट्वेंटी एट परसेंट एंड टाटा मोटर्स uh, मोटर्स सिक्सटी परसेंट थर्स फार इन सप्टेम्बर तो सप्टेम्बर में जो है ये सर्च देखने को मिला है हमें और रीजन्स क्या है इसके पीछे देखिए आप टाटा मोटर्स हैज सेड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल हैव हाँ अचीव्ड अ अक्यूमुलेटिव सेल्स माइलस्टोन ऑफ अच् टेन थाउजेंड यूनिट्स तो फ्रेंड्स एक पर्टिकुलर मोटर कंपनी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो सेगमेंट है जो कि टाटा नेक्सोन की एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी जो है टाटा मोटर की तरफ से ऑफ़र की जा रही है और उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला तो इसी की वजह से जो है और एक्सपेक्टेशंस जो है टाटा मोटर्स के शेयर ग्रो होने के वो ज़्यादा है उसके बाद अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बोला था कि जो रिसेंट एजीएम हुआ था टाटा मोटर्स का उन्होंने बोला था कि 2024 तक वो टाटा मोटर्स को डेफ फ्री बनाने के लिए एफर्ट्स लेने वाले हैं तो वो उनका मोटिव है तो वो भी इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ था अगर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जो है टाटा मोटर्स का वो अच्छे से परफॉर्म करता है तो डेफ़िनेटली उनको बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है उन शेयर्स में और एक चीज़ है फ्रेंड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो राकेश झुंझुनवाला मेड 170 करोड़ फ्रॉम दिस ऑटो स्टॉक इन सप्टेम्बर तो सप्टेंबर मंथ में जो है एक सौ सत्तर करोड़ का जो है प्रॉफिट जो है जो राकेश झुंझुनवाला ने बनाया है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है सप्टेम्बर के हिसाब से और एनालिस्ट सी फर्दर अपसाइड तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनालिस्ट बोल रहे कि इसके बाद भी हमें फर्दर जो है अपसाइट देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर शेयर में तो ये दो बहुत बहुत लाइक like, ये दो बहुत ही बड़े अपडेट थे फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था आप भी आपका खुद का एनालिसिस कीजिए इस पर्टिकुलर शेयर पे और आप आपका बाइंग पोजीशन बना सकते हो ऑन बेसिस ऑफ दैट तो यही सब डिटेल्स थे फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल